दोस्तों इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि अगर आप यूको बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा लेते हो तो यहाँ पर यूको बैंक में आप लोगों को मिनिमम बैलेंस कितना मेंटेन करना होता है। इसके अलावा अगर आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते हो तो ऐसे केसेस में आप लोगों को कितना सर्विस चार्जेस यानी कि मिनिमम बैलेंस के ऊपर कितना बैलेंस चार्जेस के रूप में देना होता है। इसके साथ साथ दोस्तों हम ये भी देखेंगे कि RTGS और NEFT यूको बैंक में आप कितना तक कर सकते हैं और कितना करते हैं तो आप लोगों को यहां पर चार्जेस देखने को मिलता है। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ऐसे नॉलेजफुल वीडियोस मिले सबसे पहले। तो चलिए इसी के साथ में वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि यूको बैंक गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक है। इसके अलावा यूको बैंक में आप लोगों को एवरेज क्वार्टरली बैलेंस मेंटेन करना होता है और यहाँ पर दोस्तों अगर आप चेकबुक लेते हो यानी कि यूको बैंक में जब आप सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाते हो तो सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाते समय अगर आप चेकबुक लेते हो तो ऐसे केसेस में आप लोगों को रूरल में 500 रुपए मेंटेन करना होता है और सेमी अर्बन में 1000 रुपीज मेंटेन करना होता है। वहीं पर अर्बन और मेट्रो सिटीज में आप लोगों को 2000 रुपीज मेंटेन करना होता है। अब यहां पर दोस्तों अगर आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते हो यानी कि अप टू 500 रुपए तक आपका एवरेज क्वार्टरली बैलेंस में शॉर्टफॉल हो जाता है यानी कि कम मिनिमम बैलेंस मेंटेन करते हो अप टू 500 रुपए तो यहां पर आप लोगों को 50 रुपए प्लस GST प्रति क्वार्टर यानी कि 3 महीने में आपको चार्जेस देना होगा। और वहीं पर अगर आप शॉर्टफॉल करते हो 501 रुपए से लेकर के 1000 रुपए तक का यानी कि एवरेज क्वार्टरली बैलेंस में आपका मिनिमम बैलेंस कम हो जाता है 501 रुपए से लेकर के 1000 रुपए तक का तो ऐसे केसेस में आप लोग को 100 रुपए प्लस GST पर क्वार्टर यानी कि प्रति 3 महीने में चार्जेस देना होगा जो कि टोटल 118 रुपए हो जाता है। वहीं पर दोस्तों अगर आपका एवरेज क्वार्टरली बैलेंस में शॉर्टफॉल आप कर देते हो 1001 रुपए से लेकर के 2000 रुपए तक का तो ऐसे केसेस में आप लोगों को 150 रुपए प्लस GST पर क्वार्टर यानी कि प्रति 3 महीने में चार्जेस देना होता है। अब दोस्तों ये तो हो गया चेकबुक वालों की। अब यहाँ पर जो लोग विदाउट चेकबुक अकाउंट ओपन करवाते हैं तो यहाँ पर उन लोगों को रूरल में 250 रुपए मेंटेन करना होता है, सेमी अर्बन में 500 रुपए मेंटेन करना होता है और अर्बन और मेट्रो सिटीज में 1000 रुपीज मेंटेन करना होता है। अब यहाँ पर अगर वो लोग अपना एवरेज मंथली बैलेंस यानी कि एवरेज क्वार्टरली बैलेंस मेंटेन नहीं करते हैं, यहाँ पर शॉर्टफॉल 250 रुपए तक शॉर्टफॉल करते हैं यानी कि 250 रुपए तक कम मिनिमम बैलेंस मेंटेन करते हैं, वो चाहे तो रूरल के कस्टमर्स हो, चाहे तो सेमी अर्बन के कस्टमर्स हो, चाहे तो अर्बन, चाहे तो मेट्रो सिटीज के कस्टमर्स हो, तो यहाँ पर उन लोगों को 25 रुपए प्लस GST पर क्वार्टर यानी कि प्रति 3 महीने में चार्जेस देना होगा। वहीं पर दोस्तों अगर शॉर्टफॉल करते हैं यानी कि कम मिनिमम बैलेंस मेंटेन करते हैं 251 रुपए से लेकर के 500 रुपए तक तो ऐसे केसेस में 50 रुपए प्लस GST पर क्वार्टर यानी कि प्रति 3 महीने में चार्जेस देना होगा। वहीं पर अगर शॉर्टफॉल करते हैं 501 रुपए से लेकर के 1000 रुपए तक तो ऐसे केसेस में उन लोगों को 75 रुपए प्लस GST पर क्वार्टर यानी कि प्रति 3 महीने में चार्जेस देना होगा। दोस्तों जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि इस बैंक में जो SB पेंशनर्स अकाउंट्स है, इसके अलावा सीनियर सिटीजन का अकाउंट्स है तो इस अकाउंट्स पर मिनिमम बैलेंस चार्जेस बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो इस बात को लेकर के आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन या फिर डाउट नहीं होना चाहिए। मान लो आपके दादाजी बाबा जी हैं, सीनियर सिटीजन अकाउंट्स है, 60 ईयर से ऊपर हो गए हैं तो उनका यहाँ पर मिनिमम बैलेंस चार्जेस नहीं लगने वाला है। इसके अलावा दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर अगर हम NEFT के ऊपर बात करें तो NEFT आप मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग के जरिए बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। आप जितना मर्जी चाहे उतना आप NEFT कर सकते हैं यूको बैंक में, लेकिन मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग के जरिए अगर आप ब्रांच के जरिए करवाते हैं तो ऐसे केसेस में आप लोगों को चार्जेस देना होगा। अब यहाँ पर दोस्तों अगर हम RTGS को डिस्कस करें तो यहाँ पर अगर आप 2 लाख रुपए से लेकर के 5 लाख रुपए तक का RTGS करवाते हैं तो ऐसे केसेस में आप लोगों को 24 रुपए 50 पैसे प्लस GST पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना होता है। वहीं पर अगर आप 5 लाख रुपए से अधिक का RTGS करवाते हैं तो ऐसे केसेस में आप लोगों को 49 रुपए 50 पैसे प्लस GST पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना होगा। बात करें दोस्तों NEFT की तो अगर आप ब्रांच के जरिए NEFT करवाते हैं, 10,000 रुपए तक करवाते हैं तो ऐसे केसेस में आप लोगों को 2 रुपए 25 पैसे प्लस GST पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना होगा। और वहीं पर अगर आप 10,000 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए तक का NEFT करवाते हैं तो ऐसे केसेस में 4 रुपए 75 पैसे प्लस GST
पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना होगा। वहीं पर अगर आप 1 लाख रुपए से लेकर के 2 लाख रुपए तक का NEFT करवाते हैं तो ऐसे केसेस में आप लोगों को 14.75 रुपए प्लस GST पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना होगा। वहीं पर अगर आप 2 लाख रुपए से अधिक का NEFT करवाते हैं तो ऐसे केसेस में आप लोगों को 24.75 रुपए प्लस GST पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना होगा। तो दोस्तों यही था यूको बैंक का NEFT, RTGS, इसके अलावा मिनिमम बैलेंस चार्जेस। तो इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।